नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं 29 से 31 जुलाई तक के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका आने वाला दिन कैसा रहेगा। अब लेते हैं अंतिम राशि पाइसिस यानी मीन राशि। 29 जुलाई के दिन आप एक ऐसे व्यक्ति की तरह से होंगे जिस व्यक्ति के ऊपर लोग भरोसा भी कर सकते हैं और जिस व्यक्ति के साथ होने पर लोग स्वयं को भी सम्मानित महसूस करेंगे। चूंकि इस दिन आपके ऊपर लोगों का भरोसा ज़्यादा रहेगा, इसलिए आपके ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। लोगों के बारे में आपकी जो राय है उसे अपने पास रखें, दूसरों को ना बताएं। लोग आपके बारे में जो राय बनाते हैं उससे अपने आप को इग्नोर रखें, उसके बारे में भी ज़्यादा ना सोचें। सोचना इस बात पर है कि आपका जो व्यवहार है वो आपकी इमेज को कैसे, आपकी छवि को कैसे बढ़ा सकता है, बना सकता है। इस बारे में जब आप चिंतन मनन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, अपने साथ विचार विमर्श करेंगे तो आपको अच्छे आइडियाज आएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको किसी मामले पर कोई डिसीजन लेना है जो पेंडिंग था, तो 29 तारीख को आप डिसीजंस ले सकते हैं। परिवार के साथ, मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ 29 तारीख का दिन बढ़िया बीतेगा। 30 जुलाई के दिन काफी ऊर्जावान आप रहेंगे, नए विचारों से भरे रहेंगे, ओतप्रोत रहेंगे। कुछ ऐसे विचार भी आपको इस दिन हिट कर सकते हैं जो विचार आपको ऐसे नवीन लगे जो आपके पास पहले कभी नहीं थे। इसलिए अपने आप को ब्लेस्ड मानिए, ईश्वर की अनुकंपा मानिए इसे कि ईश्वर आपको ऐसे विचारों से भर रहे हैं। पिछले काफ़ी समय से आप चिंता में भी थे, तनाव में भी थे, अब तनाव और चिंता के खत्म होने का समय आ गया है, ये मानकर चलना शुरू कर दें। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर आपको किसी का सीक्रेट पता चल गया है तो उसके सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दें, हंसी मजाक में भी उसके सीक्रेट को किसी दूसरे व्यक्ति को ना बताएं तो अच्छा रहेगा। 31 जुलाई के दिन आप ऐसी सिचुएशन का सामना कर सकते हैं जहां आपको दो में से एक सिचुएशन को चुनना पड़ जाए, और जब चुनाव का मामला आए तो दिल की बात सुने, दिमाग की बात मत सुने। दिमाग कितना भी फायदा गिनाता हो, लेकिन अगर दिल कहता है कि ये सही है और इसे चुनना चाहिए तो उसी ओर अपना चुनाव करिएगा। इन सब के अलावा 31 तारीख के दिन कुछ नया होने की भी संभावना है, नए कार्यों को आप हाथ में ले सकते हैं, अपने कुछ रिलेशंस को नई दिशा में बढ़ा सकते हैं, नए मित्रों से मित्रता हो सकती है, नए लोगों से मिलना जुलना भी हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए तीनों दिन अच्छे हैं। वैवाहिक संबंधों और व्यापारिक संबंधों के लिए भी पाइसिस ये तीनों दिन बढ़िया रहेंगे। तो दोस्तों, ये था दैनिक राशिफल 29 से 31 जुलाई तक के लिए। मेरा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने सुझाव आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।